ये ना मैं ये मुझे बहुत लोग बोलते थे पहले, क्योंकि मैं तो चंडीगढ़ रहता हूँ, मैं बॉम्बे आता रहता हूँ, तो जब जो यहाँ पे बॉम्बे में रहते हैं पंजाबी, जब कोई ना कोई ऐसे मिलता था वो हमेशा मुझे ये बोलते कि यार पाजी बड़े चंगा हुआ तुम मिल गए, पंजाबी च गल करने मिलू नहीं, वरना सानू पंजाबी च गल करने नहीं मिलती है। सो शहनाज के साथ भी मेरा ऐसे ही है, क्योंकि हमारा सेट पे हमारी पंजाबी चलती थी, मतलब ऐसे हुआ ही नहीं कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं। तो कई बार मेरा ये है कि अगर आगे से कोई हिंदी में बात करें तो हिंदी निकलती है, अगर आगे से किसी ने पंजाबी बोल दी तो पंजाबी तो ऐसे निकलती है कि साथ ये भूल जाते हैं कि साथ में कोई समझने वाला इसको। अच्छा दोबारा तुम, मैं दोबारा ट्रांसलेट करता हूँ क्या बोल रहा था मैं। तो ये चीज़ है, और शहनाज के साथ ये बहुत अच्छा रहा कि हम पंजाबी में बहुत सारी बातें कर सकते हैं। पंजाब और यहाँ के देखो, वहाँ की इंडस्ट्री अभी तो मतलब मैं नई तो नहीं बोलूँगा, अभी बहुत टाइम होगा, बट ग्रो कर रही है इंडस्ट्री, वहाँ पे बहुत लिमिटेड ऑडियंस है, उनके लिए फिल्म बनाई जाती है, और यही है कि अभी टाइम जैसे जैसे टाइम जाएगा तो इंडस्ट्री बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं वहाँ पे, बहुत नए नए लोग आ रहे हैं इंडस्ट्री में काम करने वाले। बॉलीवुड पुरानी इंडस्ट्री, यहाँ पे बहुत तगड़े तगड़े बजट होते हैं और एक चीज़ को आप बहुत बड़ा दिखा सकते हैं, और जहाँ पे सिर्फ पैसे के साथ ही बड़ा दिखाया जा सकता है, वहाँ पे थोड़ा ऐसे है कि कॉन्सेप्ट ऐसे दिए जाते हैं जिसमें उनको थोड़ा ऐसे रहता है कि इससे रिकवरी भी हो जाए, पैसे भी पूरे हो जाए। तो बट ये है कि अभी जैसे OTT प्लेटफॉर्म पे पंजाबी फिल्में आनी शुरू हो गई हैं, ऑडियंस भी बढ़ रही है, अभी बाहर के लोगों ने भी, पंजाब के बाहर भी पंजाबी फिल्में लगनी शुरू हो गई, तो जैसे जैसे ऑडियंस बढ़ेगी मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा फ्यूचर है पंजाबी इंडस्ट्री।